जय हिंद दोस्तों, आरके मौर्या कॉमर्स क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्या इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश प्रदेश के एमपी के जितने भी स्टूडेंट हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपका सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, आपके सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है। पूरी वीडियो को देखिए, मध्य प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय से आप हैं तो पूरा का पूरा कोर्स अपने पास उपलब्ध है। आरके मौर्या कॉमर्स क्लासेस ऐप है, rkmaurya.com वेबसाइट है, पूरा कोर्स देते हैं, हमारा नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप पढ़ने के लिए हमसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, चाहे जिस विश्वविद्यालय के होंगे, आप सबके लिए यही सिलेबस है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में आई, जिसमें कहा गया है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए कहा गया है इसमें वित्तीय लेखांकन को इंग्लिश में फाइनेंशियल अकाउंट कहते हैं। ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, पूरी की पूरी चैप्टर को हम आपको एकदम सस्ते में पढ़ाते हैं। और आपको मैं बता दूं, अपना प्रचार में भले कर रहा हूं, लेकिन आप पहले हमारी डेमो क्लास लेने के लिए एक चैप्टर फ्री में पढ़िएगा, एक चैप्टर आपको हम फ्री में देंगे अपनी तरफ से। आप हमें मैसेज करेंगे व्हाट्सअप नंबर पर या हमारे ऐप पर भी मिल सकता है, हम आपको निःसंकोच दे देंगे एक चैप्टर फ्री में। एक चैप्टर का मतलब होता है कहीं कोचिंग पढ़ोगे तो एक महीना लगेगा, 15 दिन तो लगेगा ही, 20 दिन लगेगा ही, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है व्यावसायिक नियमन रूपरेखा, जिसको व्यावसायिक नियामक रूपरेखा भी कहते हैं, बिजनेस लॉ भी कहते हैं, व्यावसायिक ठीक है विधि भी कहते हैं, तो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसको इंग्लिश में कहते हैं, बिजनेस लॉ इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट मुख्य विषय में आते हैं। और एक होता है गौण, गौण का मतलब होता है सहायक विषय, सहायक विषय में आता है व्यावसायिक संगठन एवं संचार, व्यावसायिक संगठन का सब्जेक्ट होगा और संचार का विषय होगा। मतलब क्या बताया मैंने, फाइनेंशियल अकाउंट मान लीजिए, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मान लीजिए, व्यावसायिक संचार एवं संगठन मान लीजिए, ये तीनों अनिवार्य सब्जेक्ट है, गौण भले है अनिवार्य है, ठीक है। व्यावसायिक संचार को बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद वैकल्पिक विषय में बहुत सारे विषय दिए हुए हैं, जैसे व्यावसायिक अर्थशास्त्र दिया हुआ है, अधिकोषण एवं बीमा दिया हुआ है, व्यावसायिक गणित दिया है, विक्रय संवर्धन दिया है, आशु लिपि के मूल सिद्धांत, डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कार्यालय संगठन एवं प्रबंध, भारत में पर्यटन उत्पाद, यानी कि पहला दिया है, फिर समझ लो जल्दी जल्दी मैंने बोल दिया, बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अधिकोषण को बैंकिंग बोलते हैं, याद रखिएगा बैंकिंग भी इंश्योरेंस, व्यवसायिक गणित दिया, मतलब इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, हम आपको स्क्रीन के माध्यम से भी दिखा देंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को, और भी वीडियो आपके लिए पढ़ाई से संबंधित भी हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड है और अपलोड भी होती रहेंगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।